हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और दोस्तों, ये वीडियो है सीटेट एग्ज़ाम 2018 के लिए। जी हाँ, आप सब आफ्टर 12 डेज़ यानी अंतिम 12 दिन बाद देने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की परीक्षा। तो चलिए, मैं आप सबके लिए ये सीटेट का वीडियो डाल रहा हूँ। इसके द्वारा आप करेंगे बाल मनोविज्ञान का रिवीजन, सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक और एग्ज़ाम मास्टर चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है और पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, शिक्षा को बाल केंद्रित तभी माना जाता है जब बालक की मांग, उसकी रुचि और अभिवृत्ति को प्राथमिकता दी जाती है। फ्रायड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? ये अक्सर क्वेश्चन आपके पूछता है। 59 सही जवाब होगा दोस्तों इसमें, गुदावस्था, बी ऑप्शन। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, 60 सही जवाब होगा बी ऑप्शन, नैतिक दुविधा। कहीं कहीं ऑप्शन में नैतिक तर्कणा भी रहता है, जहां पर दुविधा ना रहे वहां पर नैतिक तर्कणा। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्नलिखित में से एक के अनुसार होता है? किसके अनुसार होता है? तो दोस्तों, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, 61, ठीक है, ये दोनों प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्नलिखित योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है? 62 सही जवाब होगा सी ऑप्शन, संरक्षण, ठीक है, सी ऑप्शन। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? 63 तो दोस्तों, यहाँ पर विकास अंतःक्रिया का फल है। पहला ही जो है आप देखेंगे, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये भी सही है। विकास अंतःक्रिया का फल है, 63 सही जवाब ए ऑप्शन। चलिए 64 देखिए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था कौन सी है? ठीक है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्यय से होती है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष मूर्त प्रत्यय की अवस्था। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। तो दोस्तों, मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण के योगदान का है, ठीक है। कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जिन पियाजे के अनुसार, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिन पियाजे ने सामाजिक संरचना और संतुलनीकरण तीनों को माना है बौद्धिक विकास का तत्व, तो ये तीनों ही हैं, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा? ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए। इसमें विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने कहा है, संज्ञानात्मक बदलाव, ठीक है, कॉग्निटिव चेंजेस। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। 68 सही जवाब होगा परम अहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह किस में होता है? परम अहम में। रक्षा तंत्र किससे सहायता करता है? तो दोस्तों, रक्षा तंत्र जो है वो तनाव दबाव से निपटने में सहायता करता है, 69 में, बी ऑप्शन। श्यामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो दोस्तों, श्यामपट में लिखते समय अच्छी लिखावट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ए ऑप्शन, क्योंकि अच्छी लिखावट के अंतर्गत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता और आज्ञाकारिता। तो दोस्तों, 71 सबसे ज़्यादा आज्ञाकारिता, ये किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, आज्ञाकारिता, कि वो कितना बात मानता है अपने गुरु की।
विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या ज़रूरी है 72। तो दोस्तों समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, सी ऑप्शन। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या करता है, तीसरा 73। सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्या बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र वो है जो किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है, इसलिए प्राइमरी के टीचर को बाल मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है। मानवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, इनके विकास का क्या अर्थ है 75। सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति। जी हाँ, अभिव्यक्ति जो है ये मानवीय मूल्यों में के प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा है। चरित्र का विकास होता है किसके द्वारा 76। तो दोस्तों इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त में से सभी। प्रोफेसर जिन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है, इनमें से 7 से 14 आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 7 से 14 ये तीसरी अवस्था होगी जो कि सी ऑप्शन 77 में आप देख सकते हैं, मूर्त संक्रियात्मक। ये पिछले यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था जो अभी हुआ है। कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है 78। सही जवाब होगा विध्यात्मक विज्ञान, ठीक है, ये एक विधायात्मक विज्ञान है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है 79। सही जवाब होगा किशोरावस्था, ये सबसे ज़्यादा दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था है। पावलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके किया था, याद रखिएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के हेतु उत्तम स्थान कौन सा है 81। सही जवाब होगा इसका दोस्तों डी ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है 82। सही जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन, प्रतिवर्ती, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है क्या 83। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है कब, तो दोस्तों 84 में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे किशोरावस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण पाया जाता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किन पर, किसका हिस्सा है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, बौद्धिक या शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 85। सही जवाब होगा सी ऑप्शन, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, स्वस्थ शारीरिक विकास, ठीक है। अगर आप उसका उचित विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वो शारीरिक रूप से ज़रूर स्वस्थ हो 86। सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सही है 86, मैं आपको दिखाता हूँ सही है, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो दोस्तों शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में शिक्षकों की सहायता करता है। एक छात्र को जनता के समक्ष बोलने में डर लगता है क्योंकि उसके एक सहपाठी द्वारा कविता पाठ के समय मजाक उड़ाया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के संदर्भ में ये भय की स्थिति का कारण, तो ये परिस्थिति जन प्रतिक्रिया है, ये सिचुएशन के हिसाब से बच्चा प्रतिक्रिया कर रहा है क्योंकि एक बार मजाक उड़ाया गया है तो समझ रहा है कि हर बार मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क की विशेषता होती है चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये कथन किससे संबंधित है 89। सही जवाब होगा आकृति की रचना करना ए ऑप्शन।
गेस्टाल्ट सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया होती है। चलिए इसका जवाब देंगे आप सभी कमेंट में, 90 सही जवाब इसमें आप देंगे। ए बी सी डी चारों ऑप्शन देख लीजिए, देखते हैं कितने भैया सही जवाब देते हैं इस वीडियो में। कमेंट करना है वीडियो को, सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 90 का, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं भैया आपकी तैयारी। और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।